हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन मैथ का एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसी मैथ के लिए ही नहीं, साइंस में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। इसको समझना उतना ही ईजी है, याद करना उतना ही ईजी है जैसे कि आपके लिए ABCD और 2 से लेकर 20 तक टेबल था। बस आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसकी स्टडी पर और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, और इनको हम क्यों पढ़ते हैं, इनको पढ़ना, डिफरेंशिएशन को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट या किसी भी गिवन इंस्टेंट पर, किसी गिवन पॉइंट पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो मेथड है वही कहलाता है हमारा डिफरेंशिएशन। हम इस लाइन को अच्छे से समझेंगे आगे अभी। और जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव इज़ द मेजर ऑफ हाउ ए फंक्शन चेंजेज इट्स वैल्यू एज द इनपुट चेंजेज। डेरिवेटिव जो है मेजर करता है, बताता है कि कोई फंक्शन जो है कैसे चेंज होता है, चाहे कोई फंक्शन कैसे बिहेव करता है अगर उसकी इनपुट को हम चेंज करेंगे तो। ठीक है, इसको भी हम अभी समझेंगे आगे अच्छे से। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन होता है। किसी फंक्शन का किसी इंस्टेंट पर क्या रेट है, क्या रेट है, वही होता है डिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लीजिए आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, उस गाड़ी में डिजिटल मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और आपका दोस्त आपको फ़ोन करके पूछता है कि आपकी स्पीड क्या है इस समय, तो आप क्या बताएंगे? आप तुरंत मीटर में देखेंगे, उसे बताएंगे कि आपका स्पीड 53.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर दोस्त आपका कहेगा अगर नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम इसका सबूत दो, तो तुम क्या करोगे? फ़ोन से फ़ोटो खींचोगे और उसको सेंड कर दोगे। तो जो फ़ोटो खींचना हुआ वह उस इंस्टेंट का, जिस इंस्टेंट पर तुम फ़ोटो खींच रहे हो उस इंस्टेंट की स्पीड को फ़ोटो में कैद करके तुम अपने दोस्त को भेज दोगे, तो वो क्या रीड करेगा? 53.5 किलोमीटर पर आवर उस फोटो में होगा, तो आपका दोस्त देखेगा और यकीन कर लेगा। ठीक है, वही होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, कि किसी फंक्शन का किसी इंस्टेंट पर क्या वैल्यू है, इसका फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? इट गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ और द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ एट अ गिवेन पॉइंट। जो डिफरेंशिएशन होता है वह, जैसे कि मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस पर अगर ये पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें पॉइंट पी, ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर, ठीक है, इस ग्राफ का क्या स्लोप है वो डिफरेंशिएशन बताता है। या फिर इस पॉइंट से ग्राफ को टच करते हुए एक लाइन जा रही होगी, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। उस टेंजेंट का क्या स्लोप है इस पॉइंट पी पर वो हमें बताता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप जिस गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है, वो सीधी रोड पे जा रही थी, बिल्कुल उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, वैरी नहीं कर रहा है, वह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में है आपका गाड़ी, तो क्या होगा ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यह है डिस्प्लेसमेंट, यह है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया गया है, और ये जो ग्राफ जाती है ये बनेगी वेलोसिटी की। आपकी वेलोसिटी देखिए ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप जा रहे हैं। ठीक है, अगर इस ग्राफ का आपको अगर स्लोप निकालना हो क्या करेंगे? देखेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप यहाँ पर जितना होगा वही स्लोप यहाँ पर भी होगा और वही स्लोप यहाँ पे भी होगा, हर एक जगह इस ग्राफ का स्लोप सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सेम है,
को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, आपने क्लास 11th या फिर क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, या फिर स्लोप क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वाई में कितना चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन एक्स होता है स्लोप, ठीक है। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस पॉइंट को हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, ये वाई का लाइन है ना, ये तुम्हारा डेल्टा वाई है, ये लाइन एक्स का लाइन है, ये तुम्हारा डेल्टा एक्स है। टेन थीटा निकालना होगा, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो गया टेन थीटा। स्लोप भी होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, लेकिन इस ग्राफ में तो सब जगह स्लोप सेम है, तो एक जगह स्लोप निकाल लिया, पूरे ग्राफ का स्लोप आपको मालूम चल गया, ठीक है। लेकिन अगर इस ग्राफ में आते हैं, अगर हम इस ग्राफ में यहाँ का स्लोप क्या होगा, यहाँ का स्लोप ये रहा, इस पॉइंट का स्लोप ये रहा, इस पॉइंट का स्लोप ये रहा, तो हर एक जगह देखेंगे तो इसका स्लोप जो है चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर इसका स्लोप चेंज हो रहा है। तो किसी एक पॉइंट पे, मान लिया पॉइंट पी पे अगर आपको स्लोप निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे आप एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे और उस वो टेंजेंट क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। वो तो किसी एक पॉइंट का निकाल के देगा, तो बाकी पॉइंट का कैसे निकालेंगे, तो बाकी सब पॉइंट का भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर बार टेंजेंट बनाना पड़ेगा हर एक पॉइंट का। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो क्या आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पूरे ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए, पॉसिबल नहीं है। तो उसकी को पॉसिबल बनाने के लिए, उसी को इजी बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, डिफ्रेंसिएशन। जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो के कर्व हो, तो उसका स्लोप निकालना हो, तो हम किसका हेल्प लेंगे, डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है। मान लिया कि कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वाई विद द चेंज इन एक्स, जो वाई का जो चेंज होगा वह एक्स की वजह से होगा, अगर एक्स में चेंज होगा, ठीक है, तो वाई में भी चेंज होगा। इसका मतलब एक्स क्या है, इनडिपेंडेंट है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स अगर वैरी कर रहा है तो वाई वैरी कर रहा है, तो इसलिए वाई डिपेंडेंट हो गया और एक्स क्या हो गया, इनडिपेंडेंट हो गया। स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, ये जो पॉइंट पी था इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बी कुछ होगा, वो ए बी कुछ होगा, ये पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर जो कर्व का स्लोप होगा वही क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी, यहाँ से जो टेंजेंट जा रहा होगा उसका स्लोप होगा, और टेंजेंट की स्लोप को ही हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो यानी कि जो स्लोप होगा टेन थीटा वह क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम डी वाई अपॉन डी एस लिखते हैं, जो वाई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, स्लोप आ जाएगा, इसको एफ डैश ए भी लिखते हैं, ठीक है। और इस स्लोप को हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, मतलब किस रेट पर चेंजिंग आ रही है उस ग्राफ में, उस पॉइंट पर, वो भी बताता है वो स्लोप। ये जो थीटा होगा वो थीटा होगा, थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, जैसे कि यहाँ से थीटा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे जाना है थीटा के लिए, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन इसका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यानी कि वो जो ग्राफ होगा, जो ग्राफ पे टेंजेंट होगा और जो एक्स एक्सिस होगा, इन दोनों के बीच का एंगल लेकिन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो कहलाएगा हमारा थीटा, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करके देख लेते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
इस ग्राफ पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, इस पे एक कॉर्ड है। ए का कोऑर्डिनेट है एक्स एफ एक्स, बी का कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट एफ एक्स नॉट। अब जो कोऑर्डिनेट होता है वो पहला वैल्यू तो एक्स होता है, दूसरा वैल्यू वाई होता है। तो वाई क्या है, फंक्शन है किसका, एफ एक्स का। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स है फंक्शन का, इसलिए हमने वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया। तो ये एक्स है एफ एक्स। अब एक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा, टू चेंज आएगा यहाँ पे, एक्स हो गया एक्स नॉट। चूंकि एक्स चेंज हुआ है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है, तो वाई चेंज होगा कि नहीं होगा, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए वाई क्या हो गया, एफ एक्स नॉट हो गया। ठीक है, अब इस कॉर्ड का अगर हमें स्लोप निकालना हो तो क्या होगा, स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई क्या होगा, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। वाई वन क्या है, एफ एक्स है, वाई टू क्या है, एफ एक्स नॉट है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। एक्स वन क्या है, एक्स है, और एक्स टू क्या है, एक्स नॉट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट। ये क्या हो गया, उस कॉर्ड का स्लोप हो गया। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कॉर्ड का स्लोप आया है, हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कॉर्ड का स्लोप निकाल लेते हैं। ये वही ग्राफ है, पॉइंट ए पॉइंट बी, कॉर्ड है ए बी, ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है एक्स एफ एक्स, बी का है एक्स नॉट एफ एक्स नॉट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ मिलाया और इस लाइन इस पॉइंट को भी यहाँ मिलाया। तो ये तो वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है, लिख दिया। यहाँ पे वाई की वैल्यू एफ एक्स नॉट है, यहाँ लिख दिया। इस लाइन इस पॉइंट को इस एक्सिस एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट को भी एक्स एक्सिस से हमने मिला दिया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स नॉट है। अब इसका स्लोप निकालना है हमें, हमने क्या किया, इस लाइन को ऐसे मिला दिया, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया। तभी तो टेन थीटा लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब ये हो गया हमारा थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है बी एन, बचा ए एन, ये हो गया बेस, तो बी एन अपॉन ए एन हो गया टेन थीटा। अब बी एन की वैल्यू क्या होगी, बी एन की वैल्यू होगी एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स, इसमें से इसको घटा देंगे तो बी एन का वैल्यू आ जाएगा, बी एन का लेंथ, तो एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स हो गया। ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए एन की वैल्यू होगी एक्स नॉट में से एक्स घटा देंगे तो आ जाएगा, तो एक्स नॉट में से एक्स घटा दिया तो ए एन की वैल्यू आ गया। इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, मीन्स एफ एक्स को यहाँ लिख सकते हैं, एफ एक्स नॉट को यहाँ, और जब एफ एक्स चेंज किए तो नीचे को भी चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट राइट में, तो एक्स को इधर लिख लेंगे, एक्स नॉट को इधर भी लिख देंगे। ये भी सही है और ये भी सही है, तो टेन थीटा आ गया हमारा, बिल्कुल पहले वाले की तरह आ गया। ये तो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और ये था ट्राइगोनोमेट्री से। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि ये जो पॉइंट ए है इसको खिसका दें, खिसकाते रहे हुए हम इधर लेकर जाएं, इसको लेते जा रहे हैं हम, पॉइंट ए को हम यहाँ लेकर आ गए, पॉइंट ए को हम यहाँ लेकर आ गए, तो ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड कुछ ऐसे हो जाएगा, कॉर्ड छोटा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम पॉइंट ए को बी की तरफ लेते जाएंगे ये कॉर्ड छोटा होता जाएगा, और जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा, एक्स की वैल्यू भी एक्स नॉट की तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ए को हम इधर लेके जा रहे हैं। देखो समझ में आ रहा है, तो अब मान लो लेते जा रहे हैं ए की वैल्यू को, और एक पॉइंट ऐसा आया कि ए जो पॉइंट है वो बी के ऊपर आ गया, ए और बी कोइंसाइड कर गए, कोइंसाइड कर गए, तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक्स नॉट हो जाएगा। उस केस में एक्स क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। देखो बट एज ए अप्रोचेस टू बी, एक्स नॉट क्या, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स नॉट की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब ये जो कॉर्ड होगा ये कॉर्ड तो तब खत्म हो जाएगा, और कॉर्ड कैसा हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ऐसे पॉइंट बी केवल बचेगा, ए खत्म हो जाएगा, कॉर्ड जो है वो टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि जो स्लोप ऑफ कॉर्ड था वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और इससे तो बताया था डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट। अब हमें लिमिट लगा देंगे एक्स अप्रोचिंग टू एक्स नॉट, ए अप्रोचिंग टू बी था तो एक्स क्या था, एक्स नॉट की तरफ अप्रोच किया था, एक्स अप्रोचिंग टू एक्स नॉट, ये जो वैल्यू थी एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये जो वैल्यू होगा वो फाइनाइट होना चाहिए, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि किसी भी इनफाइनाइट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ये फाइनाइट आना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब अगर हम मान लें ये जो एक्स और एक्स नॉट है
इनके बीच का जो गैप है वो हम एच मान लें, एक्स और एक्स नॉट के बीच का गैप हम एच मान लें, तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एच होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगा, एच प्लस एक्स नॉट, ठीक है। अब केस क्या था कि एक्स अप्रोचिंग टू एक्स नॉट था, तो जैसे ही एक्स जो है एक्स नॉट की तरफ अप्रोच करेगा, एक्स और एक्स नॉट को इंसाइड कर जाएंगे, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट हो गया, तो एक्स नॉट में से एक्स नॉट घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा ना, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का उसे हम निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इजक्वल टू एक्स नॉट, कब, जब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट हो जाएगी, एफ डैश एक्स नॉट इजक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। अब एक्स अप्रोचिंग टू एक्स नॉट को हम रिप्लेस कर देंगे, वहाँ लिख देंगे एच अप्रोचिंग टू जीरो, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एच प्लस एक्स नॉट, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच लिख देंगे। इस फार्मूला को हम बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो कॉर्ड था, इस कॉर्ड का जो स्लोप था, ये हमें एवरेज वैल्यू दे रहा था, उस फंक्शन का एवरेज वैल्यू बता रहा था। लेकिन अब ये कॉर्ड जब टेंजेंट बन गया, ठीक है, जब ये कॉर्ड टेंजेंट बन गया, क्योंकि ए जो है बी की तरफ अप्रोच किया है, तो एक्स क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया है, ये टेंजेंट बन गया, तो टेंजेंट बन गया तो एक पॉइंट पे टच किया, तो ये दे दिया आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्या देता है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है टेंजेंट का स्लोप, और कॉर्ड का स्लोप हमें एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो दो तीन एप्लीकेशन तो हम पहले पढ़ चुके कि ये टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने का हेल्प करता है, और टेंजेंट का स्लोप निकल गया मतलब रेट निकालने का, किसी फंक्शन का रेट निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और टेंजेंट का हमने स्लोप निकाल लिया, किसी लाइन का स्लोप निकाल लिया, तो उस लाइन का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि टेंजेंट का हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ और एप्लीकेशन है, जैसे कि टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में काम आता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। हम अपने जो भी हमारा, मान लेते हैं किसी के पास कोई फैक्ट्री है, किसी अगर प्रोडक्ट बना रहा है, तो वह क्या कर सकता है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपना कैलकुलेशन करता है मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। तीसरा है चेंज द वैल्यू, चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ओवर द ईयर्स, हम करेंसी की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, कुछ सालों में क्या चेंज आया है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो पूरा स्टॉक मार्केट चलता है, उसका जो रेट है डाउन होना उठना, किस रेट से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा इकोनॉमी जो जीडीपी ग्रोथ है, वो सब डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। बायोलॉजी में रेट ऑफ ब्लड फ्लो, जो हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होने का जो रेट है उसको फाइंड आउट करते हैं। ट्यूमर के ग्रोथ को फाइंड आउट करते हैं। हमारा हार्ट बीट कितनी तेज चल रहा है उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन के, उसको आप समझ जाएंगे, इसको जितना आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को उसको भी आप समझते जाएंगे जितना भी इसका एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं इसके और सारे फॉर्मूलेज को बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।